सो अभी जा रहे महिंद्रा सर्विस सेंटर। गाड़ी चली है 1274 किलोमीटर और आज है आपका डेट, आज का होगा 30 तारीख को गाड़ी निकाली थी हम लोगों ने और आज 16 दिसंबर है। सो ऑलमोस्ट 16-17 दिन हुआ है एंड मेरा जो लास्ट रिफिलिंग था वो हमने 1000 रुपये का करा था और 1000 में गाड़ी चली है आपका 110 किलोमीटर। उसके बाद रिजर्व लग गया, अभी तो रिजर्व में ही है गाड़ी। और इससे पहले हमने 2 बार फ्यूल टैंक किया था 4804 रुपये का और 4500 रुपये का। इन दोनों मिला के हमारा गाड़ी चला है कुछ अराउंड 990 किलोमीटर्स और बाकी का शोरूम का चला है। ऑन एन एवरेज इस समय सर्विस में ले जाने वक्त हमारा जो फ्यूल का एवरेज आ रहा है वो है 11.2 का एवरेज आ रहा है फ्यूल का। तो मोटा मोटी ये है कि लास्ट हमने 1000 का फ्यूल डाला था, ठीक है, लास्ट 1000 का जो फ्यूल डाला था उसमें हमारी गाड़ी चली है कुल मिला के 110 किलोमीटर। तो अब ये समझ लो कि 1000 में 110 होगा तो 5000 में आपकी गाड़ी 500 चलेगा और ऊपर से 550। सो ऑन एन एवरेज इतना ही चलेगा फुल टैंक डीजल में स्कॉर्पियो एन जो है मैनुअल में, ठीक है, मैनुअल स्कॉर्पियो वेयर। ये 4x4 वाला मॉडल है बट इसमें ड्राइविंग मोड्स नहीं है। अगर टू व्हील ड्राइव वाले में शायद ड्राइविंग मोड्स भी होंगे तो उसमें शायद आपका कुछ पैसे कुछ आपका मतलब माइलेज और बेटर मिले या फिर रेंज और ज़्यादा बेटर मिले, बट यहाँ ऐसा नहीं है क्योंकि 4x4 गाड़ी है और इसमें कोई आपका मतलब ड्राइविंग मोड्स का ऑप्शन नहीं है, जिप जैप जूम ये सब नहीं है। सो डैट बींग सेड फिलहाल फर्स्ट सर्विस पे गाड़ी जा रही है 1265 किलोमीटर में और हमें सर्विस भेजने के समय हमारे गाड़ी में 2 फॉल्ट है। एक तो ये टच स्क्रीन का फॉल्ट है और दूसरा फॉल्ट इसमें आपका अलर्ट एक तो ये है, दूसरा और एक फॉल्ट आता है आपका हिल डिसेंट कुछ एरर, बट वो अभी शो नहीं, कभी आता है कभी जाता है कभी आता है कभी जाता है तो उसको भी चेक करना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल गाड़ी वैसे बहुत परफेक्टली सही चल रहा है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है एंड माइलेज आपको बता ही दिया है 11.2 का माइलेज आ रहा है और सबसे लोएस्ट माइलेज मुझे मिला 9.9 का। टोटल सिटी ड्राइव हुआ है क्योंकि फर्स्ट सर्विस तक हमें गाड़ी 80 तक ही चलाने हैं ताकि इंजन थोड़ा स्मूथली रन हो, करीब करीब 1000 किलोमीटर। तो हमने गाड़ी भगाई भी नहीं है, भगाया तो है एग्रेसिव लेकिन 80 के ऊपर नहीं गया, मतलब क्विक पिकअप क्विक ड्रॉप ये सब तो किया है, ड्रैग भी कई बार किया है ट्रैफिक्स में। तो वही है, अब सर्विस में जाके पता चलेगा कि सर्विस के बाद इंजन और कितना रिफाइंड होता है। अभी तो रिफाइंड है ही लेकिन सर्विस के बाद इंजन और कितना रिफाइंड होता है। सो दैट्स इट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। विंटर का मॉर्निंग है और ये देख रहा हूँ ये स्टूपिड हरकत जो है ना ये लोग करते हैं। बंद कर रखा है यूटर्न फिर भी यूटर्न लेना ही है इनको। तो मैं आया हूँ महिंद्रा मोहन को ऑपरेटिव वाला आउटलेट पे। एक हाथ से गाड़ी चला रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। घर से पास में ही है, कुछ अराउंड 10 मिनट का रास्ते में है, पर सच कोई परेशानी नहीं आएंगे। सर्विस ड्यू मेन मोटा मोटा बात यही है कि माइलेज हमें मिला है कितना, 11.2 का माइलेज मिला है, मैक्स टू मैक्स माइलेज मिला है 11.2 का और सबसे लोएस्ट माइलेज मिला है 9.9 9.8 का।
एंड अभी तक हमने फ्यूलिंग करा इसमें 10,500 रुपये का। तीन बार ही रिफिल हुआ, दो बार फ्यूल टैंक हुआ, 4,800 का पहली बार, उसके बाद 4,500 का और उसके बाद 1,000 का। जो लास्ट फ्यूलिंग था उसमें 1,000 में हमें गाड़ी हमारा चला 110 किलोमीटर, 1,000 रुपये के डीजल में 110 किलोमीटर गाड़ी चला। एंड ये दिल्ली सिटी में इस तरह के ट्रैफिक से ही गाड़ी चली है ऑलमोस्ट 1,200 किलोमीटर, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। सो दैट्स इट, बाय बाय फॉर नाउ, मिलते हैं आपको सर्विस सेंटर से सीधा। योर डेस्टिनेशन इज ऑन द लेफ्ट। सो अभी महिंद्रा पहुंच गया हूँ। तो भैया यहाँ ये भी सर्विस हो रहा है, देखो कि YSF का। ये XUV 700 लगी पड़ी है और शायद हमारा नंबर वेटिंग में है। थार भी है और QRF का गाड़ी भी है। देखते हैं आप कितना टाइम लगता है यहाँ पे और एक्सपीरियंस क्या रहता है। लेट्स गो। तो यहाँ पे नाम और गाड़ी का डिटेल जो है एंटर कर दिया है। सो अभी वेट करने बोले 5 मिनट। सो फिलहाल हमने हमें बैठने के लिए बोला है 5 मिनट। 5 मिनट के बाद सेट होने वाला है कुछ भी। लेट्स सी, बैठने के लिए बस दो ही जगह है। लेट्स सी एडवाइजर क्या बोलते हैं। चाय कॉफ़ी तो पूछा है बट चाय कॉफ़ी लेंगे नहीं। तो हिल डिसेंट और टचस्क्रीन दोनों सॉफ्टवेयर के लिए है। लेकिन ये कभी आता कभी जाता, कभी आता कभी जाता। वो सॉफ्टवेयर अपडेशन है। हाँ हाँ, उसमें न्यू वर्जन में। अच्छा हाँ, तो उन्होंने इसको सजेस्ट किया कि आप इसको। इसमें कितना टाइम लगेगा भैया? आप बैठेंगे या जाएंगे? मैं बैठूंगा तो मैं जल्दी कराऊंगा। हाँ जल्दी करा दीजिए। सर्विस पे थार 1.7 ऑल व्हील ड्राइव और हमारे स्कॉर्पियो एन 4x4 4 एक्सप्लोर। इसका ग्राउंड क्लीयरेंस ज़्यादा कम लग रहा है। इसमें 18 इंच का लगा था। तो इसका ग्राउंड क्लीयरेंस कम क्यों है? कम जैसे लग रहा है, दबी हुई जैसे लग रही है। दो घंटे से पहले 100% नहीं हो पाएगा। 3 घंटे लगते। 3 घंटे अभी कितना? 10 बज रहा है। 10 बज रहा है। कोशिश करूँगा कि 1 बजे तक दे देना। ठीक है। और इसमें कुछ ये मुझे कुछ चीज़ें था कि एक्सेसरीज का हाँ चाहिए ना। हाँ वो बच रहा है। क्या क्या आएगा एक्सेसरीज में? कर उसको अपडेट कर। मेरे पास बहुत चीजें। देर हुआ आपको? नहीं,
ये किया QRF भी आप लोग का करते हो सर्विस? QRF क्या? ये सामने जो गाड़ी लगी है, हाँ ये हमारी महिंद्रा ही तो है। हाँ हाँ, चलो एक टेस्ट करते हैं महिंद्रा सर्विस सेंटर के। यहाँ पे 100 रुपये हमने डाल दिया, छोड़ दिया। ये हमारा पेन ड्राइव है और ये एक वायरलेस पावर बैंक है, तो ये सब छोड़ दिया हूँ। देखते हैं कि यहाँ रहता है सामान या गायब होता है। लेट्स सी। ओके, एप्पल ट्रैकिंग डिवाइस को क्या करूँ, छोड़ दूँ? नहीं, ये ले चलता हूँ ट्रैकिंग डिवाइस को। सो लेट्स इट। आप कर देता हूँ इसको लॉक। देखते हैं महिंद्रा का ऑनेस्टी। ये डालना नहीं है। ये क्लच प्लेट नहीं, नहीं ये इसका वो है, वर्जन है जो अपडेट। मतलब ये सॉफ्टवेयर अपडेट है या फिर चेंज है? ये अपडेट है। नहीं, सॉफ्टवेयर से आपका मस्टर्ड ऑयल इन सब सही ना? ऑनलाइन लिंकिंग वगैरह में सप्लाई होता है। ओके, मतलब ऑनलाइन ही करते हैं, स्टॉक वगैरह नहीं होता क्या? नहीं, प्रोडक्शन करके फिर आगे होलसेलर्स को देते हैं। अच्छा, कौन सा वाला, नाम क्या है? ये वाह किसान। वाह किसान, तो अभी कुछ एक्सेसरीज का देख रहे हैं। दस बजे आए थे, 11 बजे गाड़ी लगी है, तो 1 घंटा तो ये फॉर्मेलिटीज में गया हमारे। केबल से है? केबल से मतलब समझा नहीं, ये केबल इसका गियर लीवर जो डायरेक्ट ना गियर बॉक्स के अंदर नहीं है, फिर तार के थ्रू लगता है। ऐसा कैसा है ये बना रखा है इसे? तभी तो इसको थोड़ा मतलब थोड़ा अलग अलग टाइप का लगता है नॉर्मल। हाँ, जैसा गाड़ी जो पुरानी वाली स्कॉर्पियो थी ना। हाँ, हाँ, उसका जो अब क्लासिक कर दिया है। हाँ, हाँ, उसमें भी यही सिस्टम कर दिया है, उसका भी अब ऐसे लगता है घुटक घुटक करता रहता है। अच्छा, ये उसी लिए है? हाँ। तो सभी लोगों को लग रहा है कि ये फंसता है? नहीं नहीं, गियर अच्छा, केबल की वजह से, केबल की वजह से। अच्छा, इसमें नॉर्मली वो नहीं, केबल से कनेक्ट? केबल से कनेक्ट है। ठीक है ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, और तो कोई। ये जो है ना थोड़ा अभी हार्ड आया ना थोड़ा, तो केबल से चलाओगे नरम हो जाएगा वो। नहीं, वही शुरू में ना उसमें आवाज निकलता था, अभी थोड़ा हार्ड सी है। ये 3,000 रुपये का है, और जो जैक वाला आपने बताया था, जैक जिसमें सब सब आता है ना, 17,000 की है। हाँ, दिखा ना। दिखा दो, पूरा किट दिखा दो। ये लो सत्ता। इसमें क्या क्या है? ये रेंस है, ये इसका पैसा है, इसमें सामान है।
इसमें तो भाई ये नहीं है, इन्फेक्टर तो है ही नहीं। ये इलेक्ट्रिक जैक भी होंगे और फिर ये इन्फ्लेट भी होंगे। ये तार है आगे से पीछे तक कहीं भी जा सकता है, जैसे आपको बैटरी पे लगा अच्छा डायरेक्ट बड़े से भी चल रहे हैं, ये बैटरी पे लगा देंगे आप। और हॉट स्टार्ट जम स्टार्ट करने का वायर नहीं इसमें, जम स्टार्ट करने के लिए इसमें मतलब रेंस है, ये इलेक्ट्रिक रेंस है, ये तो गन है जिससे आपकी गोटियाँ खुलेंगी। हाँ हाँ इलेक्ट्रिक रेंस होगा। हाँ और ये जैक है जो गाड़ी उठाएगी, टायर गाड़ी को उठाएगी, ये हवा भरने के लिए है। इससे है आप बैटरी में भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट आप उसमें भी डाल सकते हैं, क्योंकि हॉइस्ट क्लैंप्स वगैरह ये सब अपडेट होगा, ये रिप्लेस, ये सॉफ्टवेयर से अपडेट होगा, ये रिप्लेस होगा, रिप्लेस भी होगा और सॉफ्टवेयर भी अपडेट होगा। तो रिप्लेस क्या क्या होगा इसमें है, CSC प्लस स्लीप सिलेंडर होता है। हाँ हाँ, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है आवाज़ का। सो अभी सॉफ्टवेयर अपडेट चल रहा है, सीन यहाँ पे ये है कि मैं लाया था फर्स्ट सर्विस के लिए, बट यहाँ पे थोड़ा घपलेबाजी हो गया। मैं बताता हूँ आपको घपलेबाजी क्या हो रहा है। यहाँ पे ये आप देख रहे हो ना, CSC रिप्लेसमेंट, तो ये जो लोग हम लोग बोल रहे थे ना कि क्लच का प्रॉब्लम है, क्लच का प्रॉब्लम है, तो ये जेन्युइन प्रॉब्लम है और ये रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें देखो पार्ट, क्लच कवर एंड डिस्क असेंबली बदल रहा है, क्लच कवर माउंटिंग बॉल बदल रहा है, क्लच स्लेव सिलेंडर बदल रहा है, गैसकेट ब्रोकल, ये सारे पार्ट जो है ना वो रिप्लेस हो रहे हैं। तो बट अभी अनफॉर्चुनेटली मैं ये करा नहीं पाऊँगा, करा इसलिए नहीं पाऊँगा क्योंकि आज मेरे को अर्जेंट काम में जाना है। तो फर्स्ट सर्विस में तो वैसे ही होगा, इसके बाद हम क्या करेंगे दोबारा गाड़ी ले आएंगे सोमवार को, तब तक तो वैसा ही चलेगा। टैक्सी टोस्ट अभी लगेगा और एक घंटा, एंड उसके बाद आज तो मैं ये क्लच वच का चेंज नहीं करूँगा क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं है, ये उन्होंने बोला 2 दिन का टाइम लगेगा ये सब चेंज करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो मैं आऊँगा वापस मंडे को, तब ये गाड़ी दूँगा रिप्लेसमेंट के लिए। तो अभी सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो चल रहा है, बट फिलहाल ये सॉफ्टवेयर अपडेट है। एक नया प्रॉब्लम जो हमें पता चला है, एक्चुअली मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, इसका जो दरवाज़ा खोलने का रिक्वेस्ट सेंसर है ना वो भी नहीं काम कर रहा था। तो बेसिकली 3 प्रॉब्लम था फर्स्ट सर्विस में आने के समय। पहला तो तुम्हारा स्टीरियो का टच स्क्रीन नहीं काम कर रहा था, कभी काम करता कभी नहीं करता, कभी हैंग हो जाता है, स्टीरियो काम कर रहा है लेकिन खाली टच नहीं काम कर रहा था। दूसरा था तुम्हारा इसमें हील होल्ड का एरर आ रहा था, हील होल्ड एरर आ रहा था। और अभी तीसरा जो नया प्रॉब्लम यहाँ पता चला है वो ये कि इसका कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो काम नहीं कर रहा था। सो फिलहाल सॉफ्टवेयर अपडेट में है एंड ऑलमोस्ट देख रहे हो 60% तो हो गया, 70% ही बोल सकते हो, 70% सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। अभी गाड़ी वॉशिंग होएंगे जैक में लगा के, ऐसा जैक में लगा के ऊपर उठा के दिखाएंगे, देखेंगे गाड़ी में। टेस्ट ड्राइव ऑलरेडी ले चुका है, गियर का कोई इशू नहीं है। ये मेरा जॉब कार्ड है और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना CSC रिप्लेसमेंट, ठीक है, तो ये क्लच का लीकेज हो रहा है, कुछ कुछ गाड़ियों में क्लच का लीकेज हो रहा है, तो इसीलिए उस लॉट के सारे गाड़ियों को उन्होंने रिप्लेसमेंट डाल दिया है। सो ये क्लच कवर डिस्क असेंबली, क्लच कवर माउंटिंग बोल्ट और स्लेव सिलेंडर गैसकेट ब्रोकल, ये सारे रिप्लेसमेंट होंगे लेकिन आज नहीं करेंगे, ये
कल करेंगे। इसमें देखो ना मैंडेटरी फ्लैग, मतलब हर एक गाड़ी का होना ही है, मैंडेटरी है ये। तो ये आज नहीं करेंगे, ये सोमवार को करेंगे, क्योंकि आज मेरे को गाड़ी का रिक्वायरमेंट है। एंड दैट्स इट। सो ऐसे ही सो रहे हैं क्योंकि अंदर बैठने का जगह नहीं, बस दो ही कुर्सी है महिंद्रा के सर्विस सेंटर में, तो गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए हैं। देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, लेकिन गाड़ी में ही सोए हुए हैं। आज गाड़ी लेके ही निकलेंगे यहाँ से, घर जाने बोला था पर घर जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि देखना है ना क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करते हैं। 10 बजे आए थे, अभी फिलहाल 1 बज गया। सॉफ्टवेयर अपडेट चल रहा है अभी भी, देखते हैं कब जा पाते। अभी इसके बाद गाड़ी वॉशिंग में लगेगा, नहीं इसके बाद गाड़ी वहाँ लगेगा इधर, उसके बाद गाड़ी वॉशिंग में जाएगा। तो अभी सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो ख़त्म हो गया है, अभी ये चलेंगे लिफ्ट पे चेकिंग के लिए। सॉफ्टवेयर अपडेट को लगभग आपका अप्रोक्सीमेटली 2 घंटा लगता है, 1.5-2 घंटा लगता है। अभी गाड़ी जा रही लिफ्ट पे। और फर्स्ट टाइम अंडर बॉडी देख रहा हूँ। ये जो चीज़ है ना, ये मेटल का अपग्रेड कर सकते हो आप, 10,000 रुपये का आसपास आता है। ये हमारी गाड़ी के अंदर हो गया है, अभी जो क्लच सिलेंडर का मैंडेटरी रिप्लेसमेंट था वो अभी इधर लिफ्ट में चला के देखेंगे कि कोई लीकेज है कि नहीं है। अगर लीकेज है तो बदलना ही पड़ेगा, अगर लीकेज नहीं है तो चलो वो मेजर काम नहीं है, जब भी बाद में दोबारा गाड़ी आएगी उस समय करा लेंगे। एक मिनट में आपको सील खोल के दिखा देता हूँ, लीकेज नहीं है ना। यहाँ पे क्लियर है। अच्छा यहाँ से लीक होता है, यहाँ से नहीं, ये तो चैम्बर नट है। हाँ ये जो नट लगे है ना, इसके भी ब्लॉक ज्वाइंट है ना जो। हाँ अच्छा यहाँ से लीक होता है, ये तो सही है, फिर बदलना क्यों है। अच्छा कुछ कुछ गाड़ियों में आ रहे हैं, बस यही चेक करना था ना। ऐसे तो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम लग नहीं रहा। नहीं गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही बाहर बाहर से धुलवा दो ना, टॉप वॉश करा दो। इसमें वाटर डाला, बाकी सारे नॉट बोल्ट जो है वो टाइट हुआ है, बस यही काम है फर्स्ट गाड़ी का। फिलहाल लाइट इलेक्ट्रिकल चेक हो रहा है। आनंद फानन में फास्ट सर्विस हो गया, सामने खड़ी है मेरी गाड़ी वाइट में, अभी रोड टेस्ट के लिए जाएगा। बस सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है और नॉट बल्ब जितना भी बॉल्स सारे हैं ना वो सारे टाइट हुए हैं, जिसको टॉर्किंग भी बोलते हैं।
तो प्रोफेशनल लैंग्वेज में टॉर्किंग हुआ है और वही हुआ है। और क्लच से आपका पार्ट्स रिकॉल किया गया था, पार्ट्स क्लच का कुछ पार्ट्स वो चेंज नहीं करना क्योंकि मेरा वाला तो लीक नहीं करा, हमने चेक करवा लिया, लीकेज कोई नहीं है इसलिए वो चेंज नहीं किया। फिलहाल के लिए इतना ही, आप निकलते हैं यहाँ से फटाफट। सो फास्ट सर्विस जो है वो हमारा पूरा हो गया आज, एंड जैसे कि मैंने बताया फास्ट सर्विस में कुछ भी नहीं हुआ था, बस उन्होंने सो लास्ट स्टेज ऑफ सर्विस रोड टेस्ट होने के बाद फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। टॉर्किंग किया, टॉर्किंग मतलब जितने भी बॉल्स वगैरह है ना उसको सारे को फासन किया, मतलब वापस से टाइटन किया, एंड उसके बाद सॉफ्टवेयर को अपडेट किया है और एप्पल कार प्ले वगैरह शायद अभी से रन होने लगेंगे। एंड इसके अलावा उन्होंने गाड़ी का रोड टेस्ट लिया, रोड टेस्ट में कोई इशू नहीं आया था। और जो गियर का बात था, ये इसका गियर सिस्टम अभी चेंज हुआ है, अभी ये जो गियर है वो केबल गियर से चलता है, इसीलिए थोड़ा अटकने जैसा फील होता है, पर अटकता नहीं है, वो फील इसीलिए होता है क्योंकि वो केबल से रन होता है, सिस्टम जो है वो केबल से रन होता है। तो बस दैट्स इट, अभी हमने सर्विस करा के अब आ गया हूँ घर अपने, एंड वॉशिंग वगैरह हमने करवाया नहीं क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही बिलो एवरेज एक्सपीरियंस रहा, मतलब वही फिर वही बात आ जाता है कि 30 लाख की गाड़ी को, समझ रहे हो ना, वही वाली बात आता है कि 30 लाख की गाड़ी को अगर आप ले रहे हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप थोड़ा, समझ रहे हो ना, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो, बट वो हुआ नहीं उनके तरफ से, बट फिर स्टिल कोई बंदा नहीं। अभी लो फ्यूल का वार्निंग आ रहा है क्योंकि फ्यूल हमने डाले नहीं, बताया था ना कि सर्विस सेंटर को खाली गाड़ी लेने का था। और जो सामान मैंने छोड़ा था महिंद्रा को टेस्ट करने के लिए, सामान बिल्कुल एज इट इज है, उसका तो चलो कोई बात नहीं, वो लूट मचा रखा है वो, वैसे ही आपको गाड़ी को, गाड़ी खरीदने का टाइम में इतना लूट लिया, आप ऐसे गाड़ी का सामान लूट के क्या ही करेंगे, नहीं। सो डैट बींग सेड, आज का वीडियो इतना ही का ही था, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो काइंडली बता आपको क्या करना है। आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, बाय बाय। सो अभी सर्विस हो गया और जो अपडेट आया है, अपडेट से एंड्रॉयड ऑटो जो है वो आपका, पहले एंड्रॉयड ऑटो नहीं था तो अभी एंड्रॉयड ऑटो का कनेक्टिविटी आया है। एप्पल का कार प्ले हो नहीं रहा है, एप्पल कार पे उन्होंने बोला था कि वो होगा बट नहीं होगा, बट चलो ये एक तो सही है, ये वापस से डीजल डाल रहा हूँ, मेरे ख्याल से 5400 के आसपास डीजल आएगा। हाँ नहीं 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 5400 और करो, और डालो 4400 में ऑटो कट, इसका ऑटो कट समझ नहीं आता, जब मर्जी ऑटो कट हो जाता है, देखो फुल हुआ ही नहीं है, ऑटो कट पहले लग जाता है। तो यही है, सर्विस के बाद कुछ ज़्यादा कुछ खास अलग नहीं हुआ, बस इसमें एंड्रॉयड ऑटो आ गया। और करो ऊपर तक कर दो, नहीं करो और करो, मैं ये बता रहा था कि क्या क्या एडिशन आ गया, ये एंड्रॉयड ऑटो आ गया बस, एप्लीकेशन में कुछ और टच से ना बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया।
बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया, बाकी तो सब वही है। पहले ये एंड्रॉयड ऑटो का ये नहीं आ रहा था, पूरा सारा फंक्शंस नहीं आ रहे थे, अभी आ गया। तो डैट से इसके अलावा सर्विस में कुछ खास हुआ नहीं है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो सही लगा, पसंद आया, तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। बस इतने में यहाँ तो फुल दिखाई नहीं रहा है, एकदम ऊपर तक कर दिया। चार आप पर्ची बना के दे रहे हो ना, ठीक है। हाँ हाँ, पर्ची निकाल देना। नहीं पता नहीं, इसका फुल यहाँ पे तो फुल दिखा नहीं रहा है, और वहाँ पे पूरा मोटा का आ गया, बोल रहा है 4,600 रुपये का ही डीजल भरा। बस देखते हैं इसका क्या सीन होता है। तो अभी वापस से डीजल डलवाया हूँ, लेकिन कॉमेडी ये है कि अभी डीजल हुआ है फुल 4,620 में, 4,620 में। ट्रिप को डाउन कर लेता हूँ, ट्रिप को ज़ीरो कर दिया हूँ। डीजल फुल दिखा रहा है, लेकिन आप देख रहे हो पहले फुल हुआ था मेरा रिजर्व में, बल्कि इस बार हमने रिजर्व में गाड़ी ज़्यादा चलाया है, लेकिन फिर भी अभी आज का रेट में हमने डीजल डाला है तो 4,620 रुपये का डीजल डाला है। वैसे तो 5,500 का डाला था एक। ओके ओके, नहीं नहीं ठीक है, सही डाला है, सॉरी, हमारा ये गलती हो गया। 4,800 का डाला था, 4,500 का डाला था, और अभी 4,620 का डीजल डाला है। तो ऑल गुड, अभी फ्यूल है इसमें फुल, देखते हैं इसका कितना तक का चला पाएंगे। अभी थोड़ा हम कोशिश करेंगे कि हम लॉन्ग डिस्टेंस भी जाए, देखते हैं कहाँ कहाँ जा पाए। फिलहाल पर्ची को संभाल कर रख लेता हूँ एंड चलते हैं। फिलहाल मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट की तरफ, और वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, ख़त्म करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया, सही लगा, तो वीडियो को काइंडली लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज फर्स्ट सर्विस का भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देने का कोशिश किया था, ट्राई किया हूँ, अगर कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ थैंक मी बाय द वे ऑफ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय। सो सर्विस से आने के बाद एक नया प्रॉब्लम दिखा, थोड़ा सा बता दूँ। ये जो बटन है ना, देखो अभी मैं आपको ले आऊँगा इसको नेविगेशन पे। देख रहे हो नेविगेशन नहीं आया, तो ये मेरे ख्याल से स्टीरियो रिलेटेड प्रॉब्लम है। अभी तक तो दिखा रहा था नेविगेशन, बाकी सब आ रहा है, लेकिन नेविगेशन नहीं आ रहा। तो ये एक प्रॉब्लम वापस से नज़र आया। अभी तो कुछ देर पहले अभी आया, देखो बहुत लैग कर रहा है, बेसिकली लैग कर रहा है। अभी तक तो ये सब भी नहीं आ रहा था, बस सो साइट सेंसिंग का डिस्टेंस बता रहे ना, उसी पे अटका था। ये सर्विस के बाद नया पंखा है, देख रहे हो इसी में अटकता रहता है। चलो देखेंगे, धीरे धीरे पता चलेगा क्या होगा। सो विद दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को दोबारा बोल रहा, तीन बार रिपीट कर दिया हूँ, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो काइंडली लाइक शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बाय। काफ़ी ज़रा जाम लगा हुआ है, तब तक मैं जाम को फाइट करूं। आप लोग मज़े से वीडियो का आनंद लो, और ये वीडियो ख़त्म होने के बाद पुराने सारे वीडियो देख लेना, ठीक है। चैनल का वॉच टाइम बढ़ेगा, तो मुझे फ़ायदा होगा।
बाय बाय।